सो गाइस, आईपीएल 2023 का मैच नंबर 6 चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मुकाबला खत्म हो चुका है एंड चेन्नई सुपर किंग की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों के साथ हरा दिया है एंड चेन्नई सुपर किंग को फाइनली अपना पहला जीत मिल चुका है। एंड यहां पे मैं आपको आईपीएल 2023 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, ऑरेंज कैप लिस्ट एंड अपडेटेड पर्पल कैप लिस्ट एंड साथ ही साथ एमवीपी का लिस्ट बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एंड इससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही आईपीएल के वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेगी। एनीवे, स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स टेबल से। तो बॉटम की जो 5 टीम्स है वो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जहाँ पे नंबर 10 पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। एसआरएच की टीम ने एक मैच खेला है, अपना पहला मैच हारते ही इनके पास 0 पॉइंट है एंड इनका नेट रन रेट -3.600 का है। नंबर 9 पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी एक मैच खेला है, अपना पहला मैच हारते ही इनके पास 0 पॉइंट है एंड इनका नेट रन रेट -2.500 का है। नंबर 8 पे मुंबई इंडियंस की टीम है, मुंबई इंडियंस की टीम ने भी एक मैच खेला है, अपना पहला मैच हारते ही इनके पास 0 पॉइंट है एंड इनका नेट रन रेट -1.981 का है। नंबर 7 पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, केकेआर की टीम ने एक मैच खेला है, अपना पहला मैच हारते ही इनके पास 0 पॉइंट है एंड इनका नेट रन रेट -0.438 का है। नंबर 6 पे चेन्नई सुपर किंग की टीम आ चुकी है, चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 2 मैचेस खेले जिसमें से एक मैच जीती है, एक मैच हारी है 2 पॉइंट्स के साथ, इनका नेट रन रेट +0.036 का हो चुका है। अब यहाँ पे टॉप 5 टीम्स पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर 5 पे पंजाब किंग्स की टीम है, पंजाब किंग्स की टीम ने एक मैच खेला है, अपना पहला मैच जीतते ही इनके पास टोटल 2 पॉइंट्स है एंड इनका नेट रन रेट +0.438 का है। नंबर 4 पे गुजरात टाइटंस की टीम है, गुजरात टाइटंस की टीम ने भी एक मैच खेला है, अपना पहला मैच जीतते ही इनके पास टोटल 2 पॉइंट्स है एंड इनका नेट रन रेट +0.514 का है। नंबर 3 पे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 2 मैचेस खेले जिसमें से एक मैच जीती है, एक मैच हारी है 2 पॉइंट्स के साथ, इनका नेट रन रेट +0.950 का है। नंबर 2 पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम है, आरसीबी की टीम ने एक मैच खेला है, अपना पहला मैच जीतते ही इनके पास टोटल 2 पॉइंट्स है एंड इनका नेट रन रेट +1.981 का है। बढ़ते नंबर 1 की तरफ, यहाँ पे नंबर 1 पे राजस्थान रॉयल्स की टीम है, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी एक मैच खेला है, अपना पहला मैच जीतते ही इनके पास टोटल 2 पॉइंट्स है एंड इनका नेट रन रेट +3.600 का है। तो अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स की टीम है एंड बॉटम पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। आपकी फेवरेट टीम अभी पॉइंट्स टेबल पे कौन से रैंक पे है कमेंट करके जरूर बताएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं ऑरेंज कैप लिस्ट की तरफ। यहाँ पे आप ऑरेंज कैप लिस्ट भी देख ही सकते हो, जहाँ पे नंबर 10 पे जॉस बटलर है जिनके पास टोटल 54 रन है, नंबर 9 पे संजू सैमसन जिनके पास 55 रन है, नंबर 8 पे डेविड वार्नर जिनके पास 56 रन है, नंबर 7 पे शुभमन गिल जिनके पास 63 रन है, नंबर 6 पे निकोलस पुरन आ चुके हैं जिनके पास टोटल 68 रन है, नंबर 5 पे फैब डुप्लेसिस जिनके पास 73 रन है, नंबर 4 पे विराट कोहली इनके पास 82 रन्स, नंबर 3 पे तिलक वर्मा इनके पास 84 रन्स, नंबर 2 पे कायल मायर्स जिनके पास 126 रन एंड नंबर 1 पे ऋतुराज गायकवाड़ जिनके पास टोटल 149 रन्स है एंड 149 रन्स के साथ जो ऑरेंज कैप है वो अभी फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ के पास है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पर्पल कैप लिस्ट की तरफ। यहाँ पे पर्पल कैप लिस्ट भी आप देख ही सकते हो, नंबर 10 पे मोहम्मद शामी है जिनके पास 2 विकेट्स है, नंबर 9 पे राशिद खान इनके पास भी 2 विकेट्स, नंबर 8 पे ट्रेंट बोल्ट इनके पास भी 2 विकेट्स, नंबर 7 पे राजवर्धन हंगरगेकर इनके पास 3 विकेट्स, नंबर 6 पे आवेश खान इनके पास भी 3 विकेट्स, नंबर 5 पे अर्शदीप सिंह इनके पास भी 3 विकेट्स, नंबर 4 पे मोइन अली आ चुके हैं इनके पास टोटल 4 विकेट्स, नंबर 3 पे युजवेंद्र चहल इनके पास भी टोटल 4 विकेट्स, नंबर 2 पे रवि बिश्नोई इनके पास टोटल 5 विकेट्स एंड नंबर 1 पे मार्क वुड है जो यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं एंड टोटल 8 विकेट्स के साथ जो पर्पल कैप है वो यहाँ पे मार्क वुड के पास है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन से रैंक पे है। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं एमवीपी के बारे में। तो यहाँ पे एमवीपी का जो लिस्ट है वो यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है एंड जैसी अपडेट हो जाता है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल के बता देने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
है तो मैक्सवेल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।